वेलकम गेमर, स्वागत है आपका रहे शैडो फाइट 2 के एक और एपिसोड में, जहाँ पे आज हम लोग लड़ने वाले हैं मोस्ट पॉपुलर वेपन में से कंपोजिट स्वॉर्ड। वैसे इससे मत शायद तक मैं थोड़ी बहुत रेड लड़ा होगा जब मैंने इसको खरीदा था। मैं बस इसकी रेंज वगैरह ट्राई कर रहा था। तो भाई मतलब मैं बोलूँगा ना ठीक ही है बोलूँगा, मतलब ये कैसा बोलूँगा, ये शोगन कटाना जैसे ही लगा मेरे को, बिल्कुल लॉन्ग रेंज में। शॉर्ट रेंज में उतना ज़्यादा कुछ काम में नहीं आता है, वैसे मेरे शॉर्ट रेंज में काम में नहीं आता आता है, बट ये तो अपना सीज़न ख़त्म हो गया किलर जीत जी। ये देखो सीज़न ख़त्म हो गया तो ये सब मिला मुझे। तो आज हम लोग लड़ने वाले कंपोजिट से, सबसे पहला मुँह रहा तो हम लोग वोल्केनो से ही करते बेचारा, सबसे पहला बॉस बनाया ना जैसे सबसे पहले उसको पीटते हैं। अब देखते हैं भाई कितना डैमेज कर सकते हैं। ये लेवल 52 का है, मैक्स अपग्रेडेड है, देखते बरा। अरे ये तो कूदता भी है। ये देखो कॉम्बोस का ब्लीडिंग, और देखो इसमें देखो ये कैसा है, एक अटैक मारने बस स्टन हो जाता है, मतलब कुछ कर नहीं सकता उसके बाद। ये ले हाँ बहुत बढ़िया। फ्रेंजी ब्लीडिंग, ये तो झुकता भी है अपन के सामने, इतना बड़ा हो गया। ये देखो ये है किसी को स्टन करने के लिए। अभी देखो ये नीचे गिरा हुआ है तब भी इसको मार सकता हूँ मैं। ये ले बहुत बढ़िया क्रिट। मैं बोलूँगा ना शोगन्स कटाना जैसे ही से है, पर शोगन्स कटाना है ना वो स्टन नहीं होता भाई, ये अटैक मारने पर थोड़ा सा स्टन होता है, थोड़ी देर के लिए रुकता है। तो ये थोड़ा सा स्टन होता है, ये बात मुझे पहले पता नहीं थी इसको खरीदने से पहले, थोड़ा सा बहुत मैं लड़ा ना तब मुझे पता चला कि थोड़ा सा स्टन होगा। अभी देखना अभी इतना स्टन हो गए, ये देखो जब तक ये पूरा वापस नहीं आता ये थोड़ा स्टन हो जाता है, मतलब जब तक दूसरा अटैक नहीं मार सकते। देखना ये देखो जब पूरा कंपोजिट को वापस लाता है ना तब ये वापस दूसरा अटैक कर सकते हो, तो थोड़ा सा स्टन बोलूँगा मैं इसे। वो लड़ने बैठ गए लोग तो मतलब डैमेज भी इसका थोड़ा बहुत अटक जाता है। देखो देखो एक ऐसा वेपन ना काम में बहुत ज़्यादा आता है जो भाई आपको लगातार कॉम्बो स्ट्राइक मार सके, उससे क्या होता है वो आपको मारने चाहते बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। देख कूदेगा ये ले बोल बढ़िया। तो मैं जानबूझ के किसका यूज़ कर रहा हूँ भाई अभी, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे ये बिल्कुल काम भी नहीं आता। ओहो ये भी किक मारना जानता है बेचारा, क्योंकि अब मैं उसको कॉम्बो मारने वाला हूँ। ये सही है भाई एक, ओ नहीं ओ भाई कहाँ पे पड़ी से, अरे रेंज ही नहीं गई वहाँ तक। देखिए इस बार कितना डैमेज है 390, ठीक ही डैमेज पड़ा है, मतलब 400 का डैमेज बोल सकते हैं। शोगन्स कटाना है थोड़ा सा है उसका 300 के आसपास पड़ रहा था मेरे हिसाब से। एक दो तीन ये सही है भाई, इसका कॉम्बो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये तो उतना अच्छा नहीं है। हाँ ये अच्छा है, ये भी उतना अच्छा नहीं है, ये ठीक ठाक है। सबसे बेस्ट तो भाई इसका कॉम्बो है ये वाला, एक दो तीन सही है वाला। ओ भाई एक जन तो ऑफलाइन हो गया और एक जन तो इतना कम डैमेज दिया है क्या करे भाई इसके लिए। अब देखो ये सही है, ये देखो कितनी देर लगी उसे मारने में, इधर कूदना नहीं जल्दी से। हाँ मैं यही चाहता था तू ऐसे कूद जा। ये ले नहीं, अगर ये मुझे लग जाता ना ख़त्म हो जाता उसी वक्त मैच। ओ अच्छा वैसे क्रिट पड़ रहा है, ये ले बोलता है ना स्टन होता है उसके बाद, उसके बाद आपको कोई अटैक नहीं मार सकते, बेचारे का पोपर कर दिया मैंने। ओ भाई ख़त्म, इस बार तो शतक थोड़ा हाई डैमेज हुआ है ऐसे,
461 500 भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा डैमेज हुआ इससे तो इस बार, बहुत बढ़िया भाई, ख़त्म कर दिया हमने इसे पूरा। बोल क्या दो, ये देखो शुरुआत में है ना ये कॉमो, ये जो नीचे बढ़ने नहीं वाला है ना ये मारो, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। अब फिर ये इस टर्न नहीं हुआ, रुक जा भाई, कितने ब्लॉक करेगा, मुझे मालूम था। अब ये ले ख़त्म। ओ भाई बहुत बढ़िया फर्स्ट पोजीशन, वैसे तो कोई नॉर्मल सी बात है भाई, अभी तो देख भाई जीरो डैमेज, जो जीरो हो तो ऑफलाइन ही हो गया शैडो। चलिए अब किससे लड़े, फैंटम से लड़ ले बड़ा, फैटम भाई इसका नाम, फैंटम ही बोलता हूँ मैं इसे, फैटम है इसका नाम, फैंटम तब होता जब पे एन लगा रहता, फैंटम भाई तो भूत नहीं है, भूत नहीं है, भूत बोलना चाहिए पर लड़की जैसी दिखती है थोड़ी बहुत, एक तरह से बोल सकते हैं। नो ब्लॉक्स, अरे हाँ रैंडम रूल्स, बहुत बढ़िया। दूसरों को ब्लीडिंग से मारती ना तू, अब पता चलेगा कि दूसरे किस में ब्लीडिंग लग रहा है तो क्या होता है। ओ नहीं शॉक यार, मैं कंपोज छोड़ का के बारे में अभी बता रहा हूँ भाई, और नहीं नहीं मुझे मालूम था भाई, मैं भी कंपोज छोड़ के मैं तो, इसने तो उसी को हटा दी, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते, शॉक दे दी तो, इसे तो पहले राउंड में कंपोजिट शॉट से खेलने दिए मैं भाई, बहुत बढ़िया। इस बार तो बहुत ही कम डैमेज हुआ, बिल्कुल भी नहीं कंपोजिट शॉट का, बस मैंने शुरुआती बेट मारा था, 218 भी ठीक ही है, मतलब बहुत ज़्यादा भी कम नहीं है भाई, ये कोई नैतिक 675 बहुत ही कम डी पी आर है इसका, मतलब 1000 डी पी आर जाता है। अब डी पी आर का मतलब डैमेज पर राउंड होता है क्या, ये होगा डी पी आर, ये रहे हम लोग कंपोजर स्वॉर्ड, और मेरे हिसाब से पे ब्लीडिंग ही ठीक है, फ्रिंजी यहाँ पे वगैरह लगाना बेकार है, क्योंकि फ्रिंजी कैसा है सिर्फ 5 सेकंड तक लोड होती है, तो आपको जल्दी निमाना पड़ता है, तो उसके लिए वेपन बिल्कुल भी नहीं है, ओवरहेड भी नहीं, ब्लीडिंग ही ठीक है इसके लिए पहली बात। तो क्या हम लोग इस रेड में फर्स्ट पोजीशन पा पाएंगे, देखते बारे क्या होता है। ये देखो ये सही है, मुझे पता था। ओ भाई क्रिट, ऐसी क्रिट पड़ते रहनी चाहिए, ये ले, मैं ये चाहता था कि तू ऐसे कूद, कि कितना झुकेगी, इसे मारने का मौका नहीं देना है मेरे को, इसे मेरे पूरे टैग को ब्लॉक कर लिया, क्या हुआ ये मैच में, तो बहुत ही कम डैमेज हुआ है, 242 भाई, पहले बार बिना वेपन के 218 डैमेज दे दिया था। ओ बहुत बढ़िया भाई, 607 अच्छे डैमेज दे रहे लोग, और भाई ये कौन है, एन आर ओ, ओ भाई तो बैचर के नाइफ लग रहे हैं मुझे, बैचर बैचर बोलो, बूचर बोलो भाई, एक बात है। अब देखते बेटा ये देखो स्टन होता है, अभी देखा ये को स्टन होता है, मतलब थोड़े देर रुक जाता है, ऐसा बोलना चाहता हूँ मैं, रुक जाता है एकदम से, आप उससे दूसरा टाइम नहीं कर सकते, पर ये अच्छा है इसमें थोड़ी देर कम देर के लिए स्टन होता है, बहुत बढ़िया भाई, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा डैमेज दे रहे हैं। ओ भाई पिछले बार हम लोग तो इससे 500 तक का डैमेज दे पा रहे, पर भाई ये रैंडम रूल थोड़े से वो कर रहे हैं, ये ले देखो कला वापस मार लेगी, ओ चले ले, तो दूसरों को ब्लीडिंग लगाती ना, अब पता चलेगा कि ब्लीडिंग क्या होती है, नहीं गलत चीज़ कर दिया मैंने। अब देखो ये था हॉट ग्राउंड, इसमें क्या करना है आपको, कूदना रहता है, अगर नहीं कूदोगे तो फिर आप हार जाओगे, ऐसा रहता है,
चलो भाई, इतना लंबा टाइम लग गया था भाई, 50 सेकंड का ऑलमोस्ट था शायद तक वो। मैं बोलूँगा इससे मतलब दे सकते हो भाई, 300 से 500 तक का डैमेज दे सकते हो, बस थोड़ी प्रैक्टिस होना। ए ये तो मेरा ही, ये देखो फिर से वही गलती, हॉट ग्राउंड है ना, पे कूदते रहना पड़ेगा आपको। अभी देखो ये गिरी ना, तब भी मैं कॉम्बो मार सकता हूँ। ओ ब्लीडिंग खत्म भाई, होगा खत्म हो गया भी मैच। क्या बोला मैंने, जब ब्लीडिंग लगती है अपना कॉम्बो मारती है उससे खत्म हो जाता है पूरा मैच। ओ भाई ये तो सिर्फ 63 डैमेज दी खत्म, अब 1 मिनट का टाइमर लगा यार। ओ भाई मुझे लग रहा है रेड मेरे कहानी हार जाएगी, लगता है मुझे थोड़े चार्जेस यूज़ करने पड़ेंगे। चलो कुछ नहीं होता, थोड़े चार्जेस यूज़ कर भी लेंगे तो क्या होता है भाई। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई चीज़ का मतलब बता रहा हूँ जिस बारे में उस रेड हार जाए वो, और मेरे कहानी हार जाए। चल बहुत बढ़िया, ये ले कॉम्बो, ये बुरा नहीं है पहली बात, अच्छा ही है ये भी, पर वही छा भाई कहाँ पे ये। हाँ ये रही, ओ ब्लॉक कर रही है, नहीं नहीं कॉम्बो नहीं, चलो ठीक है शॉक भी ये ले खत्म। 3 चार्जेस यूज किया मैंने। ओ भाई नैतिक भाई 5000, बहुत बढ़िया बढ़िया खेल रहा भाई। नो ब्लॉक्स मतलब अगर थोड़े आगे के टीयर बैठे तो वही है भाई, क्या आपको चार्जेस ही चाहिए। ओ भाई हाँ मेरे को अभी इतनी तेज क्यों हो गई है। ओ ब्लीडिंग देखो, अभी ब्लीडिंग लगी है ना, अगर ये अपना कॉम्बोस मार देती तो भाई खत्म हो जाता उसी वक्त मैच है पे। जब भी ब्लीडिंग लगाती है कॉम्बो मार दी उसी वक्त मैच खत्म हो जाता है, इसलिए थोड़ा संभल के रहना भाई। 3 यूज के 1 मिला मेरे को, मजा आ गया भाई। सोच रहा हूँ कि एक बार लाइनक्स से भी लड़ ले, लिनक्स बोलो लाइनक्स बोलो, उससे एक बार लड़ लेते भाई। पिछले बार पता नहीं मैं से बॉडी गार्ड से लड़ा होगा, बट इससे वापस से नहीं लड़ा। वैसे मैं लिनक्स क्लोज भी ले चुका था, मुझे याद है। ओ भाई इसे कितने दिन बाद लड़ रहा हूँ मैं, उसकी बैकग्राउंड म्यूजिक सुनो भाई कितना सही है। ये ले, ओ बहुत बढ़िया खेल रहा है तो। हाँ बेचारा डैमेज एब्जॉर्प्शन, ये देखो उसको इतना डैमेज पड़ रहा है। जब मैं शुरुआत में पहली बार से लड़ा था भाई, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता भाई इसे इसको हराऊँ कैसे मैं। अब मैं पीछे हट जाता हूँ, मेरे सामने घुटने टेक लिनक्स, लाइनक्स बोलो लिनक्स बोलो। अभी तो मेरे सो कॉम्बो भी नहीं मारा, ये ले अब मारता हूँ 1 2, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा हेल्थ चली गई। हो बॉम, चलो पीछे अब ये ले, ये सही है रेंज में रह के खेलो, पूरा ख़त्म कर दो से। ये ले बहुत बढ़िया, एकदम पास में आ गया ना, तब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। देखो क्या बोलता मैंने, अब ठीक है ये ले गायब होएगा। ये ले अब मैं कुछ नहीं करूँगा, ख़त्म भाई, घुटने टेक मेरे सामने ख़त्म। वही अभी तो हम बहुत ओवर पावर्ड हो चुके लग रहे हैं मेरे को। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की शैडो फाइट 2 की वीडियोज़ देखने के लिए। हाँ अगर आपने भी पोकेमॉन यूनाइट भी देखते हो जो लोग, वो लोग अभी लेटेस्ट वीडियो चेकआउट कर लेना कि जिसमें हमने यूनाइट के टॉप प्लेयर्स को रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।